हमारे जो यहाँ लाहौर डिफेंस के सूबाई उम्मीदवार हाफिज फरहत के कागजात नामजदगी जब दाखिल कराने गई, हमारे टीम गई, तो उन्हें भी जो है पुलिस ने और सफेद पादशाह में लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे जो है कागजात नामजदगी भी छीन लिए और उनको जो है थानों में मुख्तलिफ थानों में फिराते रहे और उन्हें मुकैद करके और उनको जो है उनसे बदतमीजी भी करते रहे और तशद्दुद किया, तो उनके मोबाइल और उनकी जो दीगर उनके पास चीजें थीं वो भी उनसे जो है हथिया ली और हम इसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। इतने खायफ हैं हाफिज फरहत से, उन्हें इल्म है कि हाफिज फरहत यहां इतना हरदिल अजीज है कि इस सीट पर वो ये माशाल्लाह पीएमएलएन के उम्मीदवारों का या आईपीपी के उम्मीदवारों का इस अंदाज से सफाया करेगा और इस अंदाज से उनकी जमानतें जब्त होंगी और इतना मैसिव किस्म का जो है पीटीआई का उसे वोट पड़ेगा कि उसके खौफ से उन्होंने तमाम ये हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जिससे हाफिज फरहत को माने किया जाए इलेक्शन में हिस्सा लेने से या इलेक्शन में लड़ने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पीटीआई वाले अपना जो है पुर अज़्म हैं, टाइगर जो हैं वो बाहिम्मत हैं और हर तरह के इस तरह तशद्दुद का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम पुरअमन रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह और अमन ही के जरिए से और अपनी मोहब्बतों के जरिए से और अपने इखलाक के जरिए से हम लोगों को ये बावर करवाते हैं कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी जीतेंगे और उनकी खिदमत करते हुए पाकिस्तान को उनकी अजमतों पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। हाफिज फरहत को जिताएंगे और हाफिज फरहत का सारा पैनल जीतेगा जिसमें मैं भी नेशनल असेंबली का ऊपर उम्मीदवार हूं और मैंने भी आज कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं जो इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को एक कौम को एक खुशखबरी मिलेगी और कौम को सही माने में क्यादत नसीब होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।